इसराइल चाहता है कि हिजबुल्ला उसके आगे हथियार डालकर सरेंडर कर दे और लेबनान के हवाई क्षेत्र की पहुंच उसे मिल जाए, और इतना सब कुछ होने के बाद ही IDF लेबनान में जंग रोकेगी, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसराइल हिजबुल्ला का समूल नाश कर देगा। और यही वजह है कि अब इजरायली सेना हिजबुल्ला को फंडिंग करने वाले अनाधिकृत बैंकों की कमर तोड़ने में लगी है। वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्ला भी इसराइल के हमलों का जवाब दे रहा है, और अब इसी कड़ी में हिजबुल्ला ने IDF को बहुत बड़ा झटका दिया है। हिजबुल्ला ने IDF की कॉम्बैक्ट इंजीनियरिंग यूनिट के जमावड़े पर एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से हमला किया। आपको बता दें कि IDF की ये यूनिट फर्स्ट पैदल गोलानी ब्रिगेड की सहायक यूनिट है। हिजबुल्ला का कहना है कि उसने इस यूनिट पर दो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल फायर की, जिसमें IDF के कम 8 जवान घायल हुए हैं। हिजबुल्ला ने इस हमले का एक वीडियो भी रिलीज किया है, जिसमें साफ दिख रहा है कि हरियाली के बीच से हिजबुल्ला का एक लड़ाका एक एंटी टैंक मिसाइल फायर करता है। ये मिसाइल बॉर्डर के पास IDF के जमावड़े के पास जा गिरती है, जहां पर करीब 8 सैनिक तैनात होते हैं, और इसके बाद ये मिसाइल वहां जाकर फट जाती है। इस हमले के अलावा हिजबुल्ला ने 20 अक्टूबर 2024 को पहली दफा हाइफा पर नासिर 2 रॉकेट्स दागे थे। हिजबुल्ला ने अब इस हमले का एक वीडियो भी रिलीज किया है। इस वीडियो में दिख रहा है कि कैसे हरियाली के बीच से एक लॉन्चर में नासिर 2 रॉकेट तैनात होते हैं, और इसके आसपास के वातावरण को धुंधला किया गया है ताकि IDF लॉन्चिंग वाली जगह की पहचान न कर सके, और इसके बाद हिजबुल्ला का लड़ाका इन रॉकेट्स को फायर कर देता है, जो कथित रूप से हाइफा में जाकर गिरते हैं। आपको बता दें कि हिजबुल्ला ने नासिर 2 रॉकेट्स की कुछ खासियतें भी बताई हैं। हिजबुल्ला के मुताबिक ये 302 mm का कैलिबर है। ये 140 किलो विस्फोटक ले जा सकता है। इसका कुल वजन 650 किलोग्राम है। इसकी रेंज 150 किलोमीटर तक है। ये 5 मीटर की दूरी में सटीक हमला करता है। ये रॉकेट इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से भी बच निकलता है। और इसके अलावा हिजबुल्ला ने मेरियन कैला बैरिक्स और मेरियन बैरिक्स पर रॉकेटों का जत्था फायर किया है। हिजबुल्ला का ये भी कहना है कि उसने मैलत तरसीहा सेटलमेंट पर भी बमबारी की है। इसके अलावा जब मेरन साइट्स पर IDF घायल सैनिकों को निकालने की कोशिश कर रही थी, तब उनके ऊपर भी रॉकेट हमला हुआ। हिजबुल्ला का दावा है कि उसने कफार किला क्रॉसिंग पर IDF के जमावड़े पर जमकर बमबारी की है। साथ ही रब तलाथीन ओडे से मेरियन ट्रायंगल पर भी IDF इकट्ठा हो रही थी, तब हिजबुल्ला ने उन पर भी बमबारी शुरू कर दी। हिजबुल्ला के मुताबिक उसने दोपहर करीब 1:45 पर एलथा शहर सेटलमेंट के कैंप 100 पर भी रॉकेटों का पूरा जत्था फायर किया, और इसके कुछ ही देर बाद कारमेल सेटलमेंट पर रॉकेटों की बौछार कर दी। हिजबुल्ला का दावा है कि जब IDF के लड़ाकू जेट्स लेबनान के हवाई क्षेत्र में घुसने की कोशिश कर रहे थे, तब उनके ऊपर भी जमीन से हवा में वार करने वाली मिसाइलें दागी गईं, जिसकी वजह से इन जेट्स को उल्टे पांव लौटना पड़ा। और इस हमले के बाद जरीद सेटलमेंट में IDF पर हिजबुल्ला की तरफ से रॉकेटों का एक पूरा साल्वो फायर किया गया, और बिल्कुल इसी दौरान शोमेरा सेटलमेंट पर हिजबुल्ला ने ताबड़तोड़ बमबारी की।